सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने पिछली वीडियो पर रिस्पॉन्स दिखाया है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना एक सेकंड एपिसोड लेके आ गए हैं, और सेकंड एपिसोड हम जो शूट करने वाले हैं वो जगह है #चिल कैफ़े। ये रानीपुर मोड़ के पास आपको वी मार्ट वाली गली में मिल जाएगा। अगर आपको इसे ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो मैं गूगल मैप की लोकेशन भी इसमें डाल दूंगा। तो आज हम इसी के अंदर जाने वाले हैं, देखेंगे कैसा है इनका टेस्ट, इज इट इकोनॉमिकल फॉर यू और नॉट। तो आइए चलते हैं। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो करेंगे हाथों को सैनिटाइज, क्योंकि हमें पता है ये न्यू नॉर्मल है। तो आइए चलते हैं। भैया हमारे हाथों को सैनिटाइज कराएंगे, अच्छे से सैनिटाइज हो गए हैं, अब अपनी टेबल पर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम अपनी टेबल पर आ चुके हैं, तो मास्क हमने इसलिए उतार दिया क्योंकि अब हमारे खाने का टाइम होने वाला है ऑब्वियसली। तो अब हम करेंगे ऑर्डर। तो आप ये मेन्यू कार्ड देख लीजिए, काफ़ी बड़ा सा मेन्यू कार्ड है इनका, इसमें से हम कुछ बेस्ट डिशेज ऑर्डर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इस रेस्टोरेंट के कुछ अच्छे शॉट्स एंजॉय करिए। तो गाइस यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपको फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट यहाँ पे मिल जाता है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे बॉयज़ हैं, ये फोटोग्राफी चल रही है यहाँ पे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी फोटोग्राफी कराने के लिए, मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ। ये देखिए मिस्टर, ये देखिए सब आपको मिल जाएगा, आप इसके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। ये देखिए हमारे भाई लोग ने भी बढ़िया बढ़िया फ़ोटो क्लिक करा लिए। ये देखिए हमारे भाई लोग अर्पित शर्मा, अंकुर सिंह, हाय बोलो गाइस। ये अंकुर भाई जी हमारे ऑर्डर लाते हैं हमारा। ये आपका ऑर्डर आ गया है, क्या क्या है सर? ये अल्फ्रेडो पास्ता। तो ये अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता है और ये एलेपिनो मोमोज है। अब एक क्लोज लुक देखिए इस पर, और ये हमारी तीसरी चीज़ भी आ चुकी है जिसे कहते हैं चीज़ ग्रिल सैंडविच। इसके साथ में आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिलेंगी, और ये पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं खा के भी। सो गाइस हमारे चारों चीज़ें आ चुकी हैं, अब हम सबसे पहले इन्हें टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या क्या इनका टेस्ट है। तो सबसे पहले हम इस पास्ता को टेस्ट करते हैं, ये अल्फ्रेडो वाइट सॉस पास्ता है, काफ़ी अच्छा है, मतलब यूनिक सा टेस्ट है इसका कुछ, और वेजिटेबल्स भी काफ़ी अच्छे इसमें ग्रिल्ड हैं, तो आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा। इसको मैं रेट करूँगा, अगर मैं 10 आउट ऑफ इसे रेट करूँ तो 7 में से रेट करूँगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने मोमोज पर, ये चीज़ एलेपिनो मोमोज है, मैंने खा के देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा है, मतलब नॉर्मल मोमोज जो होते हैं सोया वाले उनसे काफ़ी बेहतर है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी है। तीसरी चीज़ हम ट्राई करेंगे, ये ग्रिल सैंडविच, इसे हम ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से इसे ग्रिल्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा देखता हूँ कुछ लोग ग्रिल्ड इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा है और टेस्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेंच फ्राइज भी मिलेंगी, आपको खाने को मिलेंगी फ्रेंच फ्राइज आपको मिलेगी। तो सिंपल सी है लेकिन बढ़िया है। इसको मैं रेट करूँगा 10 out of 8, और मोमोज को मैं रेट करना भूल गया था, इसको मैं 10 out of 9 रेट करूँगा। हाँ हम आते हैं अपने पिज़्ज़ा पर, पिज़्ज़ा देख लीजिए आप, इसका काफ़ी थिन क्रस्ट है आप देख सकते हैं, इसमें वेजिटेबल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलिव्स हैं, पनीर है, टोमेटो है, कैप्सिकम है और अनियन है। इसे खा के देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है, आपको अलग टेस्ट मिल रहा है कुछ,
जो नॉर्मल बाकी पिज्ज़ा होते हैं उनसे अलग है और अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। इसको भी मैं 10 out of 8 आपको रेट करूँगा। सो गाइस अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये सब मिला के हमें 350 कॉस्ट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप बाहर जाकर कहीं खाना चाहते हैं और सेफ प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, आप फोटोग्राफी यहाँ पे करा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मज़ा आने वाला है। और साथ ही में अगर मैं इसकी ओवरऑल रेटिंग करूँ तो 10 में से 9 में आपको इसमें रेट कर दूँगा। आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ आके एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई सेल्फ वरुण मिश्रा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।